अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इसमें मैं आप सबको बताऊंगी कि हम लोग ने मिकात में क्या किए। तो गाइस, हम लोग दोपहर के टाइम पे मिकात में पहुंचे थे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ खाली था। वो लोग वहाँ पे क्लीनिंग कर रहे थे और फिर हम लोग ने फटाफट से गुसल लिए। मैंने जकरिया को भी वहाँ पर नहला दी एंड मैं और अम्मी साथ में ही थे वहाँ पर, और फिर हम लोग ने एहराम पहन के निकल गए। एंड देन गाइस हम लोग गए। सो गाइस, अभी हम लोग ने गुसल ले लिए यहाँ पे उमरा की नियत करके, और ये देखो जकरिया ने एहराम पहन लिया है। अभी मैं, अम्मी और जकरिया जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, जो दो रकात नफील नमाज पढ़ना होता है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, ये देखो। सो गाइस, ये देखो, ये सामने जो है ये है विमेंस प्रेयर। तो यहाँ पे ये औरतें जो है यहाँ पे नमाज़ पढ़ती है, तो दो रकात नफील नमाज़ पढ़ना होता है। तो हम लोग ने पढ़ ली है, मैंने और अम्मी ने पढ़े वहाँ पे नमाज़, एंड मैंने शुक्रान नमाज़ भी पढ़ी। तो क्योंकि अल्लाह ने इतना मतलब साथ दिया और इतने अच्छे से हम लोग पहुँच गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से फिर बाद में हम लोग ने नमाज़ पढ़ के हम लोग निकल गए वहाँ से। और जकरिया जो है वो मेरे साथ ही था और जिदान उसके डैडी के साथ था, क्योंकि दोनों को मैं साथ में नहीं ले जा पाती, तो इसी वजह से हम लोग ने डिवाइड कर दिए दोनों को। तो बस, और उसके बाद हम लोग ने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींचे वहाँ पे एंड फिर गाड़ी की तरफ निकले। और क्योंकि हम लोग को निकलना भी था, रूम भी देखना था जाके, हम लोग ने कुछ भी बुकिंग नहीं किया था इसी वजह से, और थक भी गए थे। तो हम लोग ने गाइस फिर रूम पे जाके एक दो घंटा दो तीन घंटा रेस्ट करके फिर हम लोग निकले उमरा करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके थे और बच्चे भी थक गए थे, तो इसी वजह से। एंड उमरा के लिए तो थोड़ा टाइम। सो गाइस, आप देख सकते हो कि हमारे होटल के पास से ये क्लॉक टावर दिखता था। हम लोग नीचे आए तो मैंने सोची कि आपको ये वीडियो बताऊंगी। ये होटल के बस सामने से क्लॉक टावर दिख रहा है। एंड गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे जो बसें जा रही है ये सब मस्जिदुल आयशा लेके जाती है। तो बहुत लोग जाते हैं मस्जिदुल आयशा वहाँ पे नियत करके। अगर किसी को वापस से उमरा करना है तो वहाँ पे नियत करना पड़ता है, वो मिकात होता है। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी बस है ये। तो ऐसे चल के ऊपर तक जाएंगे, और मेरे हस्बैंड और डैडी अभी नमाज़ पढ़ने गए हैं वहाँ पे, और अम्मी और जिदान यहाँ पे बैठे हैं। और ये देखो जकरिया क्या कर रहा है। जकरिया, तो हम लोग अभी जा रहे थे उमरा करने के लिए, तो अजान भी हो रही थी ईशा की, तो मेरे हस्बैंड और डैडी गए नमाज़ पढ़ने, हम लोग बैठे। अभी हम लोग यहाँ से चल के जाएंगे ऊपर। और गाइस, ये देखो यहाँ पे ना बसेस जाती है। देखो गाइस, यहाँ पे पंखा भी है, और यहाँ से अभी हम लोग चढ़ के ऊपर जाएंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग अभी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं हरम की तरफ। और यहाँ पे ना गाइस 10 मिनट का वॉकिंग था, मतलब 10 मिनट लगता चलने के लिए। और गाइस यहाँ पे आगे आप थोड़ा सा और आगे पहुँचोगे ना, वहाँ पे वो लोग व्हील चेयर लेके बैठते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्टली ऊपर वो लोग पहुँचाएंगे अगर आप चल नहीं सकते या कुछ भी। तो हम लोग ने अम्मी को उस पर ही बिठाए थे व्हील चेयर पर, और वो उसने अम्मी को ऊपर छोड़ दिया था वहाँ पे हरम की तरफ। एंड गाइस, आप देख सकते हो वहाँ पे ना एक मार्केट भी लगा था, वहाँ पे सब जानमाज और बहुत सारी चीज़ें मिलती है वहाँ पर। एंड उसके बाद गाइस हम लोग आए ये कार्ड देखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो मतलब हम लोग को लेना था, क्योंकि हम लोग के पास स्ट्रोलर भी था ना, तो स्ट्रोलर हम लोग किधर रख नहीं पा रहे थे। तो क्योंकि अपन काबे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रोलर अलाउड नहीं है गाइस। और इंशाल्लाह मैं आपको ना एक डिटेल व्लॉग बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि अगर आप बच्चों के साथ उमरा करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए आपके पास, आपके बैग में, और आपको मतलब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, स्ट्रोलर रख सकते हैं नहीं रख सकते, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी, पूरा डिटेल में बताऊँगी। एंड देन गाइज हम लोग को ये कार्ड लेना पड़ा, तो एक कार्ड पर मैं और अम्मी बैठे थे, और एक कार्ड पर मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ बैठे थे। तो बस हम लोग वैसे ही वैसे गए। और गाइस ये देखो, ये है सरप्राइजेस उसका,
कार्ड के प्राइसेस है 230 रियाल है फुल उमरा के लिए, एंड सही के लिए डिफरेंट है। अगर आपको सिर्फ सही करना है कार्ड पे, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पे, तो उसके लिए अलग है। अगर आपको उमरा करना है सिर्फ वो कार्ड पे, तो उसके लिए भी अलग है। एंड अगर आपको मतलब सिर्फ यू नो सिंगल कार्ड लेना है, सिंगल कार्ड भी मिलती है, तो वो आपको फुल उमरा का 115 रियाल 115 रियाल का होगा गाइज, ठीक है। सो बहुत अच्छा लगा गाइज, हम लोग का उमरा भी बहुत अच्छे से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये कार्ड भी अच्छा था, बहुत ही इजी है, कोई भी इसको चला सकता है, सिर्फ इसको थोड़ा बहुत मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट्स इट। एंड बहुत अच्छे से चलता है ये, फटाफट उमरा भी हो जाता है। सो गाइज यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ना एक ग्रीन लाइट है, वहाँ पे अपने को रुकना है, फिर बाद में वापस से यू नो एक तवाफ होने के बाद ग्रीन लाइट के पास रुकना नहीं है, जैसे कि हाथ ऊपर करके अल्लाह अकबर बोलते हैं वैसे करके वापस से निकलना है। फिर गाइज हम लोग आए थे सही करने के लिए, आप देख सकते हो वहाँ से ही लोग ने एक रास्ता निकाला है जहाँ से आप सही के लिए जा सकते हो। और गाइज आपको पता है ये लोग ने ना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के लिए एक पूरा वो जो पैसेज है वो पूरा मतलब एक फ्लोर उसके लिए ही बनाया है, वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वाले ही उमरा कर सकते हैं। तो बस ये सब चीज़ें थी। सो हम लोग ने फिर वहाँ से हम लोग निकले सही करने के लिए, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे कोई भी चल रहा नहीं है। सो गाइज और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप कुछ भी कैरी करना, बिस्किट्स हुआ, चॉकलेट्स हुआ, या कुछ भी कोई भी चीज़ रखना आपके पास, क्योंकि उमरा करते करते टाइम लगता है एंड बच्चों को भी बीच बीच में भूख लग जाती है, तो इसी वजह से ये सब चीज़ कैरी करना अपने साथ। तो बस गाइज उसके बाद है ना, आप लोगों को अगर ये कार्ड वापस देना है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, वहाँ से एक रास्ता है एग्जिट का, वहाँ से अपने को नीचे आना है, स्लोप से नीचे आना है, एंड ये लोग को वापस से रिटर्न करना होता है वो। तो हम लोग ने हमारा स्ट्रोलर जो है वो वहाँ पे ही रखे थे, क्योंकि हम लोग अंदर भी जाना चाहते थे, अंदर भी गए थे हम लोग उसके बाद, हम लोग काबे की तरफ जा रहे थे, तो इसी वजह से हम लोग ने स्ट्रोलर वहाँ पे ही रख दिए। गाइज आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को मौका मिला कि हम लोग अजरे अस्वद को चूम सके, और ये जो भी हुआ ये मेरे हस्बैंड के वजह से, ऑब्वियसली अल्लाह के बिना तो हो ही नहीं सकता, पर मेरे हस्बैंड के वजह से मुझे ये मौका मिला, क्योंकि उन्होंने मेरे को जिस तरह से लेके गए मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकती हूँ, और वो जो खुशबू थी ना अजरे अस्वद की वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। सो गाइज एक चीज़ है कि वहाँ पे जाना ना बहुत मुश्किल है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, आपको एक आदमी चाहिए, मतलब आपके हस्बैंड या भाई या जो भी मतलब चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पे जो है इतनी गर्जी रहती है, आदमी लोग जाने ही नहीं देते वहाँ पे। तो बस जो भी है अल्लाह की मर्ज़ी थी, मेरे नसीब में लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह, और इस सब के लिए मैं मेरे हस्बैंड को भी थैंक करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया। बस गाइज और ये वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। Do like, share and subscribe and don't forget to click the bell icon. Take care, Allah Hafiz. And guys, आपको आगे भी मैं और भी चीज़ें बताऊँगी वीडियो में, ठीक है, तो आप लोग देखते रहना। और बस हम लोग ने तहज्जुद की नमाज पढ़े एंड देन हम लोग गए खाना खाने के लिए। सो आगे का जो वीडियो रहेगा वो देखते रहना।